So I'm Shreyasi and I'm a small business owner. The name of my business is April Moon. I run this business along with my mom. We sell home decor, which is majorly wall art, and we've started introducing more categories like diaries, notebooks, scarves, cushion covers, and lots more. So that's basically what the brand is about. I create a lot of art and translate it into different kinds of products. Awesome. तो एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया आपको? लाइक इसका एक थॉट प्रोसेस होगा ना, एक कन्वर्सेशन हो सकती है या एक मोमेंट बना हो कि यार ये करना चाहिए. It's really been a journey in itself, I would say. I graduated in 2015, and since then, my family always pushed me and encouraged me ki apna kaam karo, do your own business. But I right away got into a job. Before that happened, I was already kind of doing art as a side hustle. I used to license my art to companies in UK and US. They would sell my prints and give me a little bit of commission, which had, boosted my confidence that, there are people out there in the world, in different countries, in different parts of the world who like my art. And when I lost my job, I kind of, for a month, I would say I was lost. I was still, looking for something to pursue, join some other company, find another job, but nothing kind of, made me feel like, हाँ, ये करने का अंदर से मन हो रहा है. And अच्छा, then I started looking at my art as an avenue of actually earning a living, making it into something that's my everyday job, and that side hustle became April Moon itself. अरे पैंडेमिक में आई थिंक काफी लोगों को ऐसा टाइम मिला कि सोचो, रिट्रोस्पेक्ट करो करना क्या लाइफ में, और फिर उसके बाद में Yeah, उसके I पीछे पड़ agree. गए. तो I agree. इसके मेरे दो क्वेश्चन है इसमें आते हैं कि पहला, एक तो कि बिजनेस का आइडिया आ गया आपको, तो वाई वॉल आर्ट एंड वाई लाइक होम डेकर आर्ट, ये ओके क्वेश्चन था सो पहला तो. आई स्टार्टेड विद जस्ट अ नोटबुक एंड अ पेन, एंड आई वुड राइट डाउन द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव दैट आई कैन इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, द अमाउंट ऑफ रिस्क आई कैन टेक, एंड व्हाट ऑल आई कैन डू विद दैट मनी, वेयर कैन आई पुट इट, एंड व्हाट फील्स मोस्ट प्रॉमिसिंग. सो इन लॉकडाउन आई रियलाइज दैट दो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग क्लोदिंग, आई हैड लॉन्च्ड इट इन बिटवीन एज वेल, एंड वी शेल्ड इट फॉर अ लिटिल बिट, वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट बैक. सो इनिशियली थॉट था कि हम क्लोदिंग करें, बट इन लॉकडाउन आई रियलाइज कि लाइफ स्टाइल माइंडसेट सब चेंज हो चुका है. देर वॉज दिस बिग शिफ्ट दैट आई कुड नोटिस कि मैं खुद कपड़े नहीं खरीद रही हूँ, आई एम सिटिंग एट होम, आई डोंट नीड क्लोथ, राइट? एंड आई रियलाइज दैट दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज बूमिंग, पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर इन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, इन देयर होम्स, टू मेक देम बेटर रादर देन देयर वार्डरोब्स और एनीथिंग एल्स. एंड एग्जैक्टली. दैट्स हाउ आई डिसाइडेड दैट दिस इज द मोस्ट बेसिक बट प्रोबेबली द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट माई मनी इन, एंड दैट वॉज अबाउट इट. ये तो कितना एकदम डायरेक्ट थॉट प्रोसेस बना है कि यार पैंडेमिक में लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, आसपास चीजें उनको अच्छी चाहिए तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ बनाते हैं. तो मैंने बोला था कि आई विल बी आस्किंग टू क्वेश्चंस. पहला तो ये था कि हाउ कम होम डेकोर, सेकंड इज कि आइडिया तो आ गया. आइडियाज बहुत लोगों को आते हैं कि ये बिजनेस कर लेते हैं, वो कर लेंगे, बट एग्जीक्यूटिंग इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? तो उसको एग्जीक्यूट करना कैसे आपने स्टार्ट किया? लाइक शुरू में एक बार आइडिया आ गया, उसके बाद फर्स्ट इनिशियल बेबी स्टेप्स, Yeah, we started completely from scratch, and I would just राइट? sit and go Google everything, एंड काफी लॉस्ट भी हो जाते हो आप उस प्रोसेस में, बट आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट फोकसिंग ऑन द राइट स्टफ, टेकिंग इट अ स्टेप एट अ टाइम. सो माई फर्स्ट स्टेप वॉज, वंस आई फाइनलाइज दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ कलेक्शन ऑफ वॉल आर्ट्स, माई नेक्स्ट स्टेप वॉज वॉट काइंड ऑफ वॉल आर्ट शुड आई डू. लाइक आई कॉन्टेम्पलेटेड दोज ग्लास फ्रेम्ड वॉल आर्ट्स और कैनवस वॉल आर्ट्स और जस्ट टेपेस्ट्रीज, विच इवेंचुअली वी डिड ऑल दोज थ्री. बट Once I, then I decided that this is the kind of wall art I want to do. Then I started looking for vendors. Vendors for मुझे canvas का कपड़ा चाहिए. Who's going to get me the best quality at the best reasonable price, जिसके MOQs भी high ना हो. तो वो Just Dial पे I had probably dialed 100 numbers to figure out the right अच्छा, vendor for myself. Met a lot of people and कर करके सीखा. वो डर हमेशा रहता है that I've not done this before. What if the other person is trying to take me for a ride? What if he tries to fool me, cheat me, or whatever? But I've been blessed that way. I found
the right kind of people. I make mistakes as well, and I think अपनी गलतियों से ही आप सबसे अच्छा सीखते हो. So राइट that's been the journey. Yeah. एक चीज आपने बताया कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ गई थी चीज है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि बिकॉज इट वॉज पैंडेमिक एंड देन यू हैड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, तो वो एक मोटिवेशन था कि देख लेते हैं क्या होगा, लाइक देर वॉज नथिंग टू फॉल बैक टू, वो एक चीज मोटिवेट की. बट दूसरा ये था कि कमिंग फ्रॉम एन आर्टिस्ट बैकग्राउंड बट स्टार्टिंग अ बिजनेस दो अलग चीजें हैं, तो कई सारी स्किल सेट या चीजें होगी जो आपको ऑन द फ्लाई सीखनी पड़ी होगी, तो वो क्या क्या चीजें थी एंड वो कैसे सीखा आपने? Some of the stuff when it comes to handling social media content, all of that, I had the experience because my previous job I used to work as head of content. So I used to look after photography, videography. I was basically looking after the direction and how to make it work. So I worked with all kinds of people, stylist, photographer, videographer. And okay. I'm very good friends with these people as well. These are probably the best friends I've made after I moved to Gurgaon like 6 years ago. So those people really stepped up and helped me in those fronts. Those things I knew how to, you know, take it to Instagram, how to sell on Instagram. Everything else I have learned as I went. I used to use Skillshare pehle se when I started learning how to illustrate. Or how to paint and all those things. So as an artist, I've taken a lot of classes on Skillshare. And when it came to my business, I again went back to Skillshare to see what all I could learn. And honestly, everything else, kar kar ke hi sikha hai. And then this one karigar that I have, who does my framing wala kaam, he is an old industry guy. Wo shuru se isi industry mein kaam kar rahe hain. And he probably is more passionate about my business than I am. He wants to scale it to the level ki wo apna day job chhod paaye aur mujhe full time join karta hai kyunki abhi wo mera kaam raat ko karte hain. Oh, okay. Abhi I as a business cannot support him to hire him full time. So I am his side hustle right now. And he's so passionate about it. He keeps teaching me ki, you know, wahan pe expo ho raha hai, ma'am, humko wahan jana chahiye. Aur he'll tell me, he was the one who educated me about the technicalities that this is mango wood, this is shisham wood when it comes to frames and all those things. So, kar kar ke aap khud bhi seekhte ho, aur if you're blessed, you're fortunate that way, you also, blessed or fortunate to nahin kahenge, I think aap ek bar jab apna business set up karne ka soch lete ho, you will find the right kind of people, you have to network. Right. So, ek chote karigar se leke, ek koi aapko bada industrialist, koi mentor mil jaye, if you're lucky, you will find people who will teach you stuff. तो शुरू में आपको पैरामीटर्स डिसाइड करने में मतलब ज्यादा एफर्ट रहा होगा कि इसका जो मटेरियल है ऐसा होना चाहिए, इसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए, इसका एस्थेटिक ऐसा होना चाहिए कि बॉल का कैसे जाए, बट एक पॉइंट के बाद आपका जब बेस प्रोडक्ट डिसाइड हो गया तो उसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, तो अब आप क्या सोचते हो कि इसमें क्या चीजें बेटर करूँ, इसमें क्या अच्छा करूँ? We think a lot from the perspective of our repeat customers. So we think so and so person bought from our this collection, usme aise wall arts thing. Next, what kind of wall art can I add? So uske space mein ye bhi na lage ki sab kuch ek sa laga hua hai yaar. Kya kar diya ye type? Ye feeling bhi aani chahiye. That is why we introduce different sizes, different styles. So humne sabse pehle wo mango wood framed wall arts kare the. Then we did tapestries which are unframed large pieces. So someone can hang them as it is or get them framed. फिर हमने ग्लास फ्रेम पीसेस किए, वी लर्न अ बिग लेसन एंड स्टॉप डूइंग दैट एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वॉल आर्ट एंड नाउ अगेन आई एम वर्किंग ऑन समथिंग फ्रेश एंड वी ऑल्सो टेक इन टू अकॉर्ड अ लॉट ऑफ कस्टमर फीडबैक. वी हैड लॉन्च वेरी स्मॉल पीसेस इन आवर फर्स्ट कलेक्शन एंड देन वी नेवर डिड दैट बिकॉज वी थॉट दैट यू नो मे बी इट नीड्स टू बी मोर प्रोमिनेंट. दैट वॉज आवर पर्सपेक्टिव. बट नाउ आई लेटली डन 3 pop-up stalls in different parts of Gurgaon, and people who walk up to the stall are always like, do you have smaller pieces so we can buy maybe 3-4 and put them together? So now I'm again thinking maybe I need to go back. So wo to and fro chalta rehta hai. तो आई एम श्योर कि कितनी बड़ी कंपनी या कितना ही बड़ा ब्रांड हो, थोड़े टफ टाइम्स तो आती है. आई एम श्योर कि आपने आपकी जो एक साल की जर्नी है इसमें भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, अप्स का तो हमने डिस्कशन किया जब ऑर्डर्स आने लगे थे और फीडबैक अच्छा मिलने लगा था, बट श्योरली कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब लगा होगा कि आई एम श्योर और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, या फिर
तो वो कैसा है, आपने उसको डील किया? सी टफ टाइम्स पिछले एक साल में देयर हैव बीन अप एंड डाउन्स, कोई भी जर्नी ऐसे नहीं होती है, इट्स ऑलवेज दिस काइंड ऑफ अ पाथ. तो हमारे भी लोज आते हैं, देयर आर मंथ्स व्हेन वी गेट 100 ऑर्डर्स, देयर आर मंथ्स व्हेन वी डोंट इवन गेट 10, ऐसा भी टाइम आया है. तो उस टाइम काफी सेल्फ डाउट क्रीपिंग हुआ, ऐसा लग रहा था दैट आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, और यू नो हाउ टू गेट बैक टू वेयर वी वर लास्ट मंथ, और अगर ऐसे ही हुआ नेक्स्ट मंथ भी तो क्या बंद करना पड़ जाएगा, क्या करेंगे? तो अगर सेल नहीं हो रही है देन आई इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वाई इज इट नॉट वर्किंग, औरों का तो बिक रहा है, मेरा क्यों नहीं बिक रहा, क्या करूं, क्या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को भेज दूं, शायद ऑर्डर आ जाए. नॉट सेइंग दैट दैट माइट नॉट वर्क, इट माइट वर्क. आई एम जस्ट सेइंग दैट इंस्टेड माई अप्रोच वॉज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लास्ट मंथ एंड दिस मंथ इन अ वेरी क्रूड फॉर्मैट. आर यू डूइंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर सेलिंग लास्ट टाइम? If yes, and they sold last time and they're not selling this time, then maybe the problem is in your communication and connection with the customer. Shayad utne logo ko visible nahi ho rahe hain. Jinko pasand tha, unhone khareed liya pichle mahine. Now you need to find new people to push that product. Right? If you've launched a new collection, then bahut hi obvious hai that clearly that collection has bombed. Not your brand, not your product, not your art, just that collection has bombed, and maybe go back, look at what sold the best and try to innovate on that or bring it back. I never shy away from launching the same product again, because if my customer wants it, why should I not? Which is why I said that I always create very timeless pieces. I don't do trend driven, kyunki ye nahi hona chahiye ki मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आज वॉलार्ट सेल किया वो 10 साल बाद भी रेलेवेंट हो, कोई उसे देख के ये ना बोले कि ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया. राइट. और उस चीज से हैंडल करने के लिए यू नीड टू बी मेंटली वेरी वेल इक्विप्ड, यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ. मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग नहीं आती, इवन दो आई नो हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट, आई डोंट नो हाउ टू टारगेट द राइट ऑडियंस. तो मैं जाके पढ़ती हूँ उसके बारे में, मैं सीखूंगी. क्या मुझे ईमेल मार्केटिंग आती है नहीं आती, तो मैं जाके सीखूंगी. And I don't need to find a teacher for it anymore. Sab kuch online available hai. Every resource is out there. Aur jo khud ko educate karne ke baad jo ek confidence aata hai apni capability mein na, that is what helps you jab next time struggle aata hai. To tumhe pata hai ki main handle kar sakti hu, mujhe aata hai. एक और चीज जो पूछना चाहूंगा मैं, जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. एक होता है जब तुम इंस्टाग्राम पे नॉर्मल कंटेंट बनाना चाहते हो एंटरटेनिंग, तो बहुत बेसिक थॉट प्रोसेस होता है. बट जब तो आप बिजनेस के लिए कंटेंट बना रहे हो, बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, तो अलग थॉट प्रोसेस रखनी पड़ती है. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइक मार्केटिंग योर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम? सो आई वुड से माय आइडियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कंटेंट फॉर माय बिजनेस हैज ऑलवेज बीन, मुझे बहुत डायरेक्ट सेल करना नहीं पसंद. आई डोंट लाइक टू पुश माय प्रोडक्ट on the customer. I don't want to come across someone as ki le lo please khareed lo. I would rather talk about my product in an, I always try to talk about my product in an indirect fashion. It is the focus, but usko khareed lo is not the focus. Usko observe karo, usko understand karo, usko samjho, uski qualities ko jano, उससे मतलब को जानो, कैसे बना, कहाँ से आया, किसने बनाया. आई वुड रादर टॉक अबाउट दोस थिंग्स, एंड इफ दैट मेक्स सेंस टू समवन दे वुड ऑब्वियसली बाय इट, विच हैज बीन माय एक्सपीरियंस. अनदर थिंग दैट वर्क्ड वंडरफुली वेल फॉर मी वाज पोस्टेड दिस रील विद मी एंड माय मॉम डूइंग आवर एवरीडे रूटीन. दोपहर में बैठ के जो हम एम्ब्रॉयडरी करते थे अपने पीसेस पे, वी आर जस्ट डूइंग दैट एंड आई रिकॉर्डेड इट एंड आई जस्ट पोस्टेड अबाउट इट विद अ स्मॉल कैप्शन दैट यू नो दिस इज हाउ वी स्पेंड आवर आफ्टरनून्स एंड स्टफ. इट ब्लू अप, दैट रील क्रॉस्ड 4 million व्यूज. ओह. एंड आई इमीडिएटली शॉट फ्रॉम 800 टू से 35,000 फॉलोअर्स. एक इमीडिएट हाई के बाद व्हेन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन विच इज समटाइम एंड ऑफ लास्ट ईयर, इट केप्ट ग्रोइंग 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 एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. तो एक लगता था कि मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कंटेंट क्वालिटी पे वर्क करने की जरूरत है, और वो एक बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया था. अच्छा. कि
I used to be the person जो रोज आई वुड क्रिएट एंड अपलोड अ रील एवरी डे एवरी डे एवरी डे एंड देन इवेंचुअली ऑफ कोर्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग इट टेक्स अ टोल. जब लॉन्च हुआ था तब ना तो इतना ऑर्डर वॉल्यूम था ना और कोई काम था. एक कलेक्शन बना के हम वेट कर रहे थे बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा तो अगले कलेक्शन का सोचे. तो उस टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हैंड टू यू नो जस्ट रील बनाओ डालो. इवेंचुअली वो नहीं वो सस्टेनेबल नहीं रहा. सो देर आर वेज अराउंड दैट इज वेल वो एक पूरा अलग कहानी है. बट when I started going down, I started again feeling that pressure ki kya karu na yaar, you know, or what am I doing wrong. But then I realized that I was focusing on the wrong thing. Okay. Followers kam ho rahe hain, but wo isliye kam nahi ho rahe ki naye log nahi aa rahe. Wo bas wo ratio proper nahi hai abhi ki 50 log chhod ke gaye aur 30 लोगों ने फॉलो किया तो 20 कम हुए बट 30 लोग आए ना नहीं विच मीन्स समथिंग. और जो 50 छोड़ के गए दे क्लियरली डोंट होल्ड अ वैल्यू फॉर मी एज अ कस्टमर क्योंकि उनको नहीं पसंद आया तो वो चले गए. अगर वो कल को रहते भी तो कस्टमर में तो नहीं कन्वर्ट होते. सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग देम एज वेल. आई जस्ट लर्न्ड विद एक्सपीरियंस जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागने से भी नहीं होता है. अब इंस्टाग्राम इतना पॉपुलेट हो चुका है इतना ओवर पॉपुलेट हो चुका है कि आप सबसे ट्रेंडिंग साउंड और सबसे ट्रेंडिंग हुक स्टेप डांस और सब कुछ कर लो फिर भी नहीं वर्क करेगा अगर नहीं करना होगा. इंस्टेड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू. आई रियलाइज दैट इफ आई पोस्ट अ रील दैट शेयर सम वैल्यू विद द कस्टमर कुछ उनको एजुकेट कर रहे हो आप. So when I do a styling video ki how I set up my balcony or how I set up my study table, that performs better than, you know, just a random showing my face. The viewer is getting to learn something. They might save it. Wo comment kare na kare, like kare na kare, tumse kharide na kharide. If it is educating, they will save it to go back to it another day and visit that reel again and increase your views. So I think that is the best way कि आप viral या trend के पीछे मत भागो. आप figure out करो how to educate your viewer. As a brand आप क्या उन्हें सिखा सकते हो क्या value addition कर सकते हो. My final question would be आपकी जो journey रही आपका जो पूरा travel रहा है business को लेके तो आप उनको क्या do's and don'ts कहोगे. See although मेरा ये ओपिनियन और एक्सपीरियंस रहा है कि आपके बिजनेस के बारे में आपको कोई और एडवाइस नहीं दे सकता. आप खुद ही सीख सकते हो. हाँ मैं भी जाती हूँ लोगों से उनकी ओपिनियन उनके एडवाइसेस लेने के लिए बट मुझे रियलाइज होता है कि जो मैं करके सीखती हूँ गलती करके सीखती हूँ वो कोई और नहीं सिखा सकता. सो द वेरी फर्स्ट थिंग टू डू इज डू इट. स्टॉप प्रोकेस्टिनेटिंग स्टॉप पुटिंग इट उसको टालो मत. इफ यू हैव एन आइडिया पॉलिश इट एंड डू इट बिकॉज जब तक आप नहीं करोगे यू विल नेवर नो. सेकेंड इज ये कॉन्फिडेंस जिस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़ो करो वो तब आता है जब आप खुद को एजुकेट करते हो जब आप चीजों को इन डेप्थ जाके समझते हो डिस्कवर करते हो आपके जो भी डाउट्स हैं. अगर अभी आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है एक्स वाई जी नो मैटर आप किस कैटेगरी में किस फील्ड में सोच रहे हो राइट डाउन क्या आपके फियर्स हैं व्हाट इज होल्डिंग यू बैक. यू विल रियलाइज इट इज योर अनअवेयरनेस अबाउट समथिंग. यू माइट नॉट नो अबाउट हाउ टू हैंडल फाइनेंसेस. यू माइट नो नॉट नो कि इंस्टाग्राम कैसे यूज करते हैं. यू माइट नॉट नो कि मार्केटिंग कैसे करते हैं अच्छे से. वही आपको होल्ड बैक करता है. वही चीजें डाउट्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा जॉब में ठीक हूँ यार सैलरी तो आ रही है ना. चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढो ट्यूटोरियल्स चाहे गो अटेंड सेमिनार्स अटेंड इतने सारे पैनल्स होते हैं इतने सारे अच्छे अच्छे यू नो गैदरिंग्स होती हैं. फाइंड योर कम्युनिटी बिकम अ पार्ट ऑफ इट. सो आई थिंक दैट इज द ओनली वे कि आप खुद को एजुकेट करो सीखो जगह ढूंढो कहाँ कहाँ से सीख सकते हो और धीरे धीरे एक एक अपने फियर को टिक ऑफ करो एंड देन स्टार्ट. ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए और अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए दुकान को जरूर फॉलो करें.